चार मिनट के लिए अमेरिका में दिन में ही अंधेरा हो जाएगा, चार मिनट के लिए कनाडा में भी सूरज गुम हो जाएगा। 8 अप्रैल को उत्तरी अमेरिका और कनाडा सूर्य ग्रहण के गवाह बनेंगे। बताया जा रहा है कि पाथ ऑफ टोटेलिटी में पड़ने वाले अमेरिका के कम से कम 12 राज्यों में इस दौरान करीब 4 मिनट तक दिन में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसको लेकर अमेरिका के लोगों में उत्साह है। लोगों को बड़ी बेसब्री से 8 अप्रैल का इंतजार है। बड़ी संख्या में लोग उस पल का गवाह बनना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अद्भुत घटना को देखने के लिए करीब 50 लाख लोग पाथ ऑफ टोटेलिटी में पड़ने वाले राज्यों में पहुंचेंगे। इसे देखते हुए होटल्स की मांग भी 12 गुना तक बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण से करीब 13,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोग किस कदर बेताब हैं, उसे समझा जा सकता है। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि अब अमेरिका में 20 साल के बाद ही सूर्य ग्रहण लगेगा। अमेरिका में 8 अप्रैल को सेंट एंटोनिया, डलास, लिटिल रॉक, इंडियानोपोलिस, क्लीवलैंड, बफेलो, बर्लिंगटन में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। 7 साल के बाद अमेरिका में सूर्य ग्रहण लग रहा है और इसके बाद 20 साल के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। यही वजह है कि लोग इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अलग अलग तरह का तरीका इजाद कर रहे हैं, तो वहीं अलग अलग कंपनियां भी सूर्य ग्रहण को बुनाना चाहती हैं। लोगों की बेताबी को देखते हुए डेल्टा एयरलाइंस ने पाथ ऑफ टोटेलिटी रूट के लिए 2 विशेष उड़ानों का ऐलान किया। एक टिकट का दाम 83,000 रुपए रखा, बावजूद इसके हाथों हाथ बिक गए। 30,000 फीट की ऊंचाई पर 4 मिनट का सूर्य ग्रहण देखने के लिए सेंट एंटोनियो से डेट्रॉइट तक कई लोग करीब 30 घंटे का सफर करेंगे। इन लोगों का मकसद क्लियर है कि इस खास मौके का गवाह बना जा सके, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ना ही ऐसा संयोग बार बार बनता है। सूर्य ग्रहण के रूट में पड़ने वाले विमानों में टिकट की मांग 1500% बढ़ चुकी है। ISO प्रमाणित चश्मों की बिक्री बढ़ गई है। ये आंखों को सुरक्षित रखते हैं। पाथ ऑफ टोटेलिटी में पड़ने वाले इलाके में 4,40,00,000 लोग घटना के साक्षी बनेंगे। पूर्णता के पथ में मेक्सिको, US और कनाडा में जो लोग रहते हैं, पूर्णता के पथ में जो आएंगे, उनकी संख्या लगभग 3 करोड़ से ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा आसपास के इलाकों से बहुत से लोग जो उत्साही हैं, अपनी कारों में कैसे भी इसी पूर्णता के पथ की ओर आएंगे, और विदेशों से भी बहुत से लोगों के आने का अनुमान है, जो कि संख्या लाखों में हो सकती है। तो ऐसा अंदाज है कि करीब 5 करोड़ लोग इस घटना को देखने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि पूर्णता के पथ वाले जो इलाके हैं, चाहे वो मेक्सिको है, US है या कनाडा है, वहां पर ट्रैफिक का क्या हाल होने वाला है। किसी जगह पर बादल की वजह से खलल ना पड़े, इसके लिए नासा और प्रशासन की ओर से लाइव स्ट्रीमिंग के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे लोग सूर्य ग्रहण को देख सके। नासा के मुताबिक अमेरिका में अगला सूर्य ग्रहण 2045 में लगेगा। इस बार का सूर्य ग्रहण 2017 के सूर्य ग्रहण से 60% ज्यादा चौड़ा और इतना ही लंबा होगा। पाथ ऑफ टोटेलिटी वो इलाका है जहां सूर्य ग्रहण बिना किसी उपकरण के दिखेगा। नासा 2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करने जा रहा है, जो कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेंगे और छाया में जो पूर्णता का पथ है उसमें अग्रसर होंगे, ताकि उन बॉम्बर्स के जरिए विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट में फोटोग्राफी की जा सके, और पूर्णता के समय जो सूर्य का जो कोरोना अपनी छटा के साथ हमारे सामने आता है, उसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया जा सके। मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। इससे ये साफ है कि भारत समेत बाकी दुनिया में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला। भारत में सूर्य ग्रहण हमें 2031 में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 मई 2031 को वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह के ग्रहण में सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से नहीं ढक पाता, इस कारण हमें आसमान में आग की रिंग दिखाई देती है। फिलहाल अमेरिका में लगने वाले सूर्य ग्रहण पर दुनिया भर की नजर है। टीम न्यूज़ नेशन।